के निकटवर्ती भावंता गांव के अलग अलग क्षेत्रों से सड़क और पुलिया टूटने की समस्याओं को लेकर आज ग्रामीण अजमेर पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन सौंपकर और पुलिया निर्माण के साथ ही सड़क निर्माण करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामवासियों का कहना है कि मजीठिया गांव में 2 साल पहले अत्यधिक बारिश के चलते पुलिया गिर गई थी, जिसके कारण गांव और खेतों का संपर्क टूटा हुआ है और अभी भी बीच में नदी चलती है और ग्रामवासी बमुश्किल अपने खेतों की ओर जा पाते हैं। इसे लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। भावता की सभी सड़कें बेहद खराब हैं, जहां आना जाना भी बहुत मुश्किल है। गंभीर व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में भावता ग्रामीणों की ओर से कई बार स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन विगत 2 सालों से इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आज ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए इस मामले में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत भावता में बदहाल रोडों को लेके और मजीठिया ग्राम पंचायत में बरसात के कारण पुलिया टूट गई थी। दो वर्षों से लगातार हम प्रशासन के पास आ रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास आए, नीचे डिपार्टमेंट में जितने भी कलेक्टर साहब ने हमारे को भेजा सबके पास गए हम। इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा फिर ये प्रशासन जागेगा। इससे पहले हम इनको नींद से जगाना चाहते हैं और हमारी मांगे पूरी करें, काम हो, रोड बने और पुलिया बने। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब बीच में नदी पड़ती है और एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ खेत खलियान है। गांव पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, खेत खलियान नदी पार करके है। अब आम आदमी गांव का कैसे जाए पार करके, उस नदी को पार करके जाना है। पुलिया टूट गई, अब पुलिया बना नहीं रहे हैं। 2 साल से हमारे को केवल आश्वासन दे रहे हैं और इन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं करा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं, अब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और रो बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को लेके उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम महेश आकला है जी। भावता साहब वार्ड नंबर 10 में मेजता ग्राम है, उसमें 2 साल से पुलिया टूटी हुई है, जिसमें प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया है, उसमें ना कोई सुनाई हो रही है। वहाँ आने जाने में बहुत परेशान हो रही है, हॉस्पिटल वगैरह सुविधा सारी टूट बंद है, वहाँ पे आने जाने बिल्कुल रास्ता बंद है जी। अब अगर कोई हादसा हो गया, खुदा ना करे, उसका प्रशासन जिम्मेदार खुद होगा। इसको लेकर के आपने किसी को दी है? सबको शिकायत दे रखी है, कलेक्टर साहब को दे रखी है, सार्वजनिक निर्माण भवन वहाँ चिट्ठी दे रखी है, CO साहब को, पंचायत राज वहाँ दे रखी है। सब सरपंच, हाँ जी सर, जी सर, नहीं हो रही। क्या कारण? वो तो प्रशासन कर नहीं रहा सर सुनवाई, तभी तो यहाँ बार बार में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे ज्यादा पब्लिक इकट्ठी करके धरना प्रदर्शन करेंगे जगह जगह। बलवीर सिंह भावता, सरपंच।